How are you? कैसे हैं आप लोग? तो बेटा आज इस वीडियो में डिस्कस क्वेश्चन आंसर लिंडा बैंक्स एमसीक्यू इन चैप्टर फर्स्ट इन ज्योग्राफी. ओके, तो इस वीडियो में जो है हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का वर्क डिस्कस करेंगे. मींस एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये सारा वर्क जो है आपको फेयर में करना है. ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस एमसीक्यू. ए टिकटा करेक्ट आंसर, इकदार करेक्ट आंसर. ओके, हमें राइट आंसर को टिक करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दिस इज एन एबायोटिक एलिमेंट. ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द लंग्स. This is an abiotic element of the environment. For options, first option है plants, second option है animals, option C water, and option D and option D humans. And the correct answer option C water. Okay, and second question, we discuss question number second. The composition of atmosphere changes in season.
change in season. Change in seasons of Hungary. None of these. ठीक है, none of these. तो ये कह रहे हैं कि composition of atmosphere change with. तो कि atmosphere का जो composition है, वो कैसे 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 change होता है, उसके कौन सा factor है जो इसको प्रभावित करता है, इनमें से चार में से. तो इसका जो correct answer है, वो है attitude from person. The correct answer is B. जो सही answer है, वो है attitude from earth surface. Okay. Next question देखो. Yes.
Option first, all green plants. All green plants. Option second, B. Herbivores. Option C. Carnivores. Carnivores. Option B. Answer. Correct option. Correct answer is all green. The correct answer is A. All green plants. All green plants. Okay. So, किसी भी ecosystem में या हमारे environment में जो real producer है, तो producer कौन है? तो वो सारे के सारे green plants. ठीक है, right on. Next question number 50. Question number 50. Question number 50. This human activity has not harm the environment. This human activity has not harm the environment. ठीक है, ये कह रहा है जो चार एक्टिविटी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, मींस पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज एजुकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एजुकेशन। एजुकेशन डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक आपकी वो है स्टेट के अंदर का स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स, नहीं फिर का लेंस। नेक्स्ट है आपके लिए फिर का लेंस। शर्मी in the brains. ठीक है, फिर इन ब्रेन्स में हम देखते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट है ब्लैंक एलिमेंट। ब्लैंक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इंक्लूड प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन। ब्लैंक एलिमेंट्स
plants, animals and humans. Plants, animals and humans. The correct answer is the biotic. The answer biotic. ठीक है, इस लेंग में क्या होगा? Classified and
the threat of the consumer. ठीक है, तो कंज्यूमर इज द राइट आंसर. तो जो कंज्यूमर्स हैं, इन कंज्यूमर्स के अंदर क्लासिफाइड है हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ठीक है.
The natural development is composed only of living things, systematic forms. ठीक है, तो जो natural development है वो केवल living things का नहीं बनाता, इसमें living and non-living, land, water, animal, plant, ये सब इसमें आते हैं, natural development में आते हैं, तो ये केवल living things का बना नहीं होता, ये depend forms. ठीक है, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द हाइड्रोस्फीयर है वेरियस रेनफॉल, द हाइड्रोस्फीयर है various landforms. ठीक है, जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स अलग अलग प्रकार की जमीन के स्ट्रक्चर संरचना देखने को मिलती है. तो ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, वाटर आता है और लैंडफॉर्म्स इसमें आते हैं लिथोस्फीयर. ये स्टेटमेंट भी क्या है. ठीक है, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स आर डायनामिक इन नेचर. एलिमेंट्स आर डायनामिक. जिस स्टेटमेंट में ट्रू आपको पढ़ाया था कि जो एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट है वो डायनामिक नेचर होते हैं, मीन्स हमेशा गतिशील रहते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, जिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ स्टेटमेंट, द प्रोड्यूसर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स. ऑप्शन स्टेटमेंट फोर, द प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन from other living things. ये कह रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना अपना भोजन अन्य लिविंग थिंग से या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट फिफ्थ, रैपिड क्लाइमेटिक चेंजेस है, क्वाल एक्सटेंशन ऑफ हेज
for extension. Extension of main column.